अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 10 और वीक 10 का लेब नंबर 10 है। प्रीवियस लेब क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे जिसमें हमने ये देखा लूप्स क्या होते हैं और उसके अंदर हमने एक लूप का एक टाइप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जो कि था फॉर लूप, और उसके ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व किए लिस्प इंटरप्रेटर के अंदर। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग ये देखेंगे कि प्रॉपर्टी लिस्ट को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे लिस्प इंटरप्रेटर के अंदर। उसके अंदर जो तीन फंक्शंस हैं, सेट एफ को देखेंगे, इंसर्शन के लिए यूज होता है। गेट फंक्शन जो है वो रिट्रीविंग या एक्सेसिंग के लिए यूज होता है। रिमूव प्रॉपर्टी जो कि हम लोग कोई वैल्यू या जो एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी है वो डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए फंक्शन जो यूज होगा रिमूव प्रॉप जो कीवर्ड है, इन तीनों को यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स देखेंगे लिस्प इंटरप्रेटर के अंदर। तो एक एग्जांपल है, लेट्स सी कि हमारे पास इस टेबल को हमने इंसर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सेट एफ कमांड विद इन द लिस्प इंटरप्रेटर। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे लिस्प इंटरप्रेटर के अंदर। तो जैसे कि हमने देखा था कि सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए हम लोग पैरेंथेसिस यूज करेंगे, फिर हम लोग यूज करेंगे सेट एफ जो हमारे पास एक फंक्शन है, फिर हमने देखा था कि डबल पैरेंथेसिस हमने डाले और इसके अंदर हमने कहा प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन होगी। तो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन मतलब हमारे टेबल का नेम क्या है। तो उससे पहले हम लोग लिखेंगे गेट। टेबल का नेम लिखने से पहले मैं बता दूं आपको कि हम लोग कोटेशन फंक्शन यूज करेंगे एम्प्लॉयर, ई एम पी एल एल ओ वाई ई आर, एम्प्लॉयर हमारे पास टेबल का नेम है। उसके बाद हमने उसकी कौन सी प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो लेट से हमारे पास सबसे पहले वहां पर है अहमद, अहमद की जो वैल्यू है वो भी हमने इंसर्ट करनी है जो कि है एन यू। तो ये हमारे पास फर्स्ट इंसर्शन हो रही है विद द हेल्प ऑफ सेट एफ फंक्शन। प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन के सिंबल और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी आप सेट करना चाहते हैं और उसकी वैल्यू क्या रखना चाहते हैं। तो जैसे ही एंटर करेंगे हमारे पास आ जाएगा एन यू, इसका मतलब हमने एक वैल्यू इंसर्ट कर ली। इसी तरह हम लोग दोबारा करेंगे सेट एफ, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, लेट्स से एम्प्लॉयर, ठीक है। उसके बाद हमने लेट्स से जफर, आई थिंक हमारे पास सेकेंड या थर्ड पोजीशन पर है, उसकी वैल्यू या एट्रीब्यूट को सेट करते हैं और उसकी वैल्यू है लेट्स से यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी। इसको भी हमने सेट किया विद द हेल्प ऑफ सेट एफ फंक्शन, इसने भी रिटर्न किया। अगर यहां पर सिंटैक्स में कोई मसला हुआ तो वो आपको एरर देगा या निल कोई वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसी तरह लेट्स से तीसरी वैल्यू को भी हम इंसर्ट करते हैं गेट एम्प्लॉयर, ठीक है। लेट से हमारे पास आतिफ आ जाता है और उसकी वैल्यू हमने रखी थी लेट से कॉमसेट, कॉमसेट से उसने अपनी ग्रेजुएशन की, इसको भी हमने इंसर्ट किया। तो यहां पर आप देख रहे हैं एरर, एरर इस वजह से क्योंकि मैंने फंक्शन का नाम जो है वो गलत लिखा था। हम इसको ठीक कर लेते हैं, सेट एफ है इंस्टेड ऑफ सेट, इस दफा उसने ठीक से रिटर्न किया। ये मैंने आपको जानबूझ के एरर किया ताकि आपको पता चले कि यहाँ एरर भी आ सकता है। सिंटैक्स आपको ठीक ठाक तरीके से याद रखना पड़ेगा कि इसका सिंटैक्स क्या है। आखिरी वैल्यू को सेट करते हैं लेट से सेट एफ गेट एम्प्लॉयर, लेट से हमारे पास है आसिफुल्ला, लेट से उसने एनयू से अपनी ग्रेजुएशन की है।
तो ये हमने की इंसर्शन, क्योंकि हमने फर्स्ट टेबल में ये देखा कि कैसे इसको इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट इसका जो काम है हाउ टू रिट्रीव, हाउ टू एक्सेस। एक्सेस करने के लिए हमने अगेन एक फंक्शन पढ़ा था, आई होप आपने, आपको याद होगा, मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं कि ये तो हमने इंसर्शन की, ये आपके पास रिट्रीविंग है। रिट्रीव कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ गेट फंक्शन। हमारे पास सिंबल मतलब टेबल का नेम क्या है और कौन सी प्रॉपर्टी आप प्रिंट करना चाहते हैं या रिट्रीव करना चाहते हैं। तो लेट्स से देखते हैं इसको। गेट, हमारे पास एम्प्लॉयर है और लेट्स से हम अहमद को देखना चाहते हैं, अहमद की वैल्यू देखना चाहते हैं, तो गेट फंक्शन यूज होगा, पैरेंथेसिस तो मस्ट यूज होंगे, एम्प्लॉयर और अहमद। स्पेलिंग्स आपने मस्ट देखने हैं वरना फिर आपका वही सिंटैक्स का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर, अहमद अगेन स्पेलिंग सेम विद द इंसर्शन, ठीक है। जैसे इंसर्ट किया उसने हमें वैल्यू दी एन यू। इसी तरह लेट से दूसरी वैल्यू कोई इंसर्ट रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं इसी टेबल से, एम्प्लॉयर लेट से आतिफ, कैपिटल या स्मॉल इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इंटरप्रेटर है, तो यहां पर ये केस सेंसिटिव नहीं है, इस वजह से आप कैपिटल करें या स्मॉल करें। जैसे आपने देखा ना, मैंने यहाँ पे ए स्मॉल लिखा और यहाँ जब इंसर्ट कर रहा था तो मैंने कैपिटल ए यूज किया था। तो अगर आप देख रहे हैं इसने वैल्यू रिटर्न की कॉमसेट, तो हमने कॉमसेट ही इंसर्ट कर रखी थी। लेट से हम लोग एक वैल्यू जो हमने इंसर्ट ही नहीं की उसको रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। लेट से अली, अली हमने कर ही नहीं, मतलब इसको इंसर्ट किया ही नहीं हमने, तो एम्प्लॉयर में अली की वैल्यू ये चेक करेगा नहीं होगी तो ये हमें रिटर्न करेगा निल। सो आई होप आपको इस गेट की फंक्शन की भी समझ आ गई, इंतहाई आसान है। इसी तरह हमने, अगर आप नेक्स्ट देखे, हमने कहा था रिमूव कैसे करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज को, तो वो हमने स्लाइड्स में तो देख लिया था, लेकिन अब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे एलिस इंटरप्रेटर के अंदर। तो लेट से इसको हम रिमूव भी करते हैं, आर ई एम पी आर ओ पी, दिस इज द कीवर्ड आर ई एम पी आर ओ पी। कौन से सिंबल से आप करना चाहते हैं तो उस सिंबल का नाम लिखेंगे, मतलब उस किस टेबल से करना चाहते हैं तो वो टेबल नेम आ गया आपके पास, स्पेस। कौन सी वैल्यू आप रिमूव करना चाहते हैं, लेट्स से मैं अहमद की करना चाहता हूं, तो रिमूव प्रॉपर्टी पैरेंथेसिस तो मस्ट होंगे, फिर स्पेस कोटेशन एम्प्लॉयर टेबल नेम सिंबल नेम एंड देन द प्रॉपर्टी नेम, कौन सी प्रॉपर्टी का को आप डिलीट करना चाहते हैं या रिमूव। तो जैसे हमने किया इसने रिटर्न किया हमें अहमद और एन यू, उसने कहा कि अहमद की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू थी एन यू, वो आपने डिलीट कर दी। तो अगर हम इसको दोबारा से रिट्रीव करेंगे, लेट से गेट एम्प्लॉयर और अहमद को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, वो हमें वैल्यू करेगा निल क्योंकि हमने वो डिलीट कर दी। आप चाहें तो उसको दोबारा सेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेट से एक और की डिलीट करते हैं ताकि हम आगे मूव कर सकें। रिमूव प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर और लेट से हमने आतिफ को डिलीट किया यहां से टेबल से, तो अगेन उसने हमें कहा कि आतिफ कॉमसेट है हमारे पास, ठीक है। अब इसने जफर भी दिया, आई डोंट नो उसने क्यों दिया। लेट से हम इसको देखते हैं कि हम आतिफ की वैल्यू को गेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयर आतिफ को देखते हैं, प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। उसने कहा सॉरी ये वैल्यू हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट हम गेट करते हैं एम्प्लॉयर और जफर की वैल्यू देखते हैं, क्योंकि जफर की वैल्यू हमने डिलीट ही नहीं की, तो उसने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी। आई डोंट नो इसने क्यों डबल वैल्यू मुझे दे दिए, लेकिन नॉर्मली ये वैल्यू आपको देगा अहमद एन यू की तरह ए की वैल्यू, ए की उसका प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ठीक है। सो इस तरह हम लोग रिमूव प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं।
तो हमने ये तीनों फंक्शंस दोबारा से करने की कोशिश की, लेकिन इस दफा हमने लिस्प इंटरप्रेटर में सॉल्व करने की कोशिश की। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसमें किसी का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है आसिफ@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।